हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबको रौनक की किचन एंड ब्लॉग में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ दिन से कोई ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं डाल रही हूँ, देख देखिए गाइस मेरे हैंड में क्या हो गया है। और ये जो है ये उंगलियाँ, मेरा उंगली में बहुत दर्द है और डॉक्टर ने कहा है 3 मंथ मुझे इसी तरह से बेल्ट लगा के रखना है और इस हैंड से कुछ काम नहीं करना है। और इसीलिए मैं इस हैंड से कुछ काम नहीं कर रही हूँ और बाकी जो है बस सिर्फ इस हैंड, राइट हैंड से मैं खाना बनाती हूँ। जो सब्जी वगैरह काटना होता है या प्याज वगैरह कट करना होता है, कुछ भी कट करना होता है, तो मेरे घर जो बुआ आती है वो कर देती है और बस मैं राइट हैंड से खाना बनाती हूँ और कुछ नहीं कर पाती हूँ। ज़्यादातर मैं रेस्ट ही लेती हूँ, इसीलिए मैं कोई वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। और आज मैं आप लोग से एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रही हूँ और एक रेसिपी लेके मैं आप सबके पास आई हूँ। और कोई रेसिपी हो ना, कोई अच्छा रेसिपी हो और मैं आप सबसे शेयर ना करूँ, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो आप लोग भी जानते होंगे। और मैं आज एक छोटा सा रेसिपी शेयर कर रही हूँ, एक फ्राई का रेसिपी मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये न्यू स्टाइल में है और आप लोग देखिए कि मैं किस तरह से एक फ्राई बना रही हूँ और मसाला के साथ। मसाला से एक फ्राई रेसिपी बनाऊंगी और आप सबसे शेयर करूंगी। और इसे हमें मसाला ग्राइंड करके एक को मसाला के साथ मिक्स करके बनाना है और उसके बाद हमें फ्राई करना है तवे में या नॉन स्टिक तवा में। कुछ कोई भी सामान हो, आप लोग किसी में भी फ्राई कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं आप सबको दिखाती हूँ कि ये एक फ्राई, मैं मसाला वाला एक फ्राई कैसे बनाती हूँ और उसका रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। आप सब देखिए और मेरे हिसाब से फॉलो कीजिए। तो गाइस देखिए, जो मैं एक फ्राई बनाने वाली हूँ तो कौन कौन सा मसाला का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए गाइस, ये पोटैटो है, ये मैंने 2 पोटैटो लिया है, जिसे हम लोग आलू कहते हैं, उसे छील लिया है। छील के इसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। देखिए इस हैंड से तो उतना काम भी नहीं कर पा रही हूँ। और ये ऑनियन है, ये एक ऑनियन है, इसे मैंने कट कर लिया है। 2 हरी मिर्ची है, थोड़ा सा कोरिएंडर है, थोड़ा सा जीरा है और 10 से 15 गुल मिर्च है। इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। और ये 3 एग है, देखिए गाइस ये 3 एग है। ये 3 एग को इस मसाले के साथ मिक्स करके इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी, उसके बाद इसे फ्राई करूंगी। तो गाइस अब देखिए कि मैं इस मसाले को कैसे ग्राइंड करूंगी। अब इस मसाले को हमें ग्राइंड करना है, सब एक साथ डाल देना है। थोड़ा सा पानी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। इसे हमें ग्राइंड करना है। गैस ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही रहना है। दरदरा रहने से थोड़ा अंडा जो ऑमलेट बनाएंगे तो वो क्रिस्पी होगा। देखिए गैस इस तरह से दरदरा हमें पीस लेना है, ज्यादा ज्यादा स्मूथ नहीं करना है। अब इसमें हमें नमक डालना है, टेस्ट मुताबिक नमक दे देना है, हल्दी दे देना है, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर दे देना है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर देने के बाद अच्छी तरह से हमें इसे स्पून के सहारे मिक्स करना है। इसके बाद हमें एक एक करके एक को फोड़ के इस मसाला में हमें डाल देना है। और देखिए गाइस, दूसरा हैंड से मैं उतना एक को फोड़ नहीं पा रही हूँ, बड़ी तकलीफ़ हो रही है, फिर भी मैं फोड़ रही हूँ, लेकिन दायां हाथ मेरा ज़्यादा काम कर रहा है, बायां हाथ उतना काम नहीं कर पा रही हूँ बायां हाथ से, और मुझे तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी क्या करूँ। आप लोग से कोई वीडियो शेयर नहीं की थी तो सोचा कि आज वीडियो शेयर करूँ और कुछ बनाऊँ तो आप लोग से शेयर करूँ।
इसके बाद एक को हमें मसाले के साथ अच्छी तरह से स्पून के सहारे हमें मिक्स करना है। इस तरह मिक्स करना है कि मसाला और एक एक साथ मिक्स हो जाए और स्मूथ हो जाए। तो देखिए गाइस, इसी तरह से हमें मसाला के साथ एक को मिक्स कर देना है। अब इसके बाद हमें तवा में फ्राई करना है, ऑमलेट जैसा बनाना है। तो गाइस चलते हैं, अब इस एक मसाले को फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने नॉन स्टिक तवा को चूल्हे पे चला दिया है। अब गैस को मुझे ऑन करना है। ऑयल सब किधर है जी? वो वाला ऑयल। मैं सरसों ऑयल से फ्राई करूंगी। आप लोग को अगर सरसों ऑयल नहीं अच्छा लगता है तो आप लोग स्किप भी कर सकते हो, आप लोग सादा तेल से भी फ्राई कर सकते हो। और गाइस, ये जो मेरा हैंड में दर्द हुआ है, इसके लिए जो बेड लगा है, तो मुझे एकदम रेस्ट लेना है हैंड को। और मैं इस हैंड से कोई भारी सामान नहीं उठा सकती हूँ और ना ही उठाती हूँ, ज़्यादा नहीं। कभी अगर हल्का कुछ काम करना हो तो ऐसे करके पकड़ दे, लेकिन उठाती नहीं हूँ। कोई सामान उठाने के लिए मना किया है डॉक्टर ने। और दुआ कीजिएगा गाइस कि जल्द से जल्द मेरा ये हैंड का प्रॉब्लम दूर हो जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे लिए ज़रूर दुआ करोगे। तो सबसे पहले मैं ऑयल को तवा में डाल दिया है। तो देखिए गाइस, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं जो एक को मसाले के साथ मिक्स करके रखी थी, उसे मैं आधा डाल दूंगी इस तवा में। देखिए, मैंने आधा ही डाल दिया है और उसे छन्नी के सहारे फैला देना है हमें। और इसके बाद इसे लो फ्लेम पे हमें ढक के कुछ देर के लिए हमें ढक के छोड़ देना है। और देखिए गाइस, मैंने एक ढक्कन ले लिया है। अब ढक्कन को मैं तवे के ऊपर रख के लो फ्लेम पे छोड़ देना है हमें। कुछ देर बाद ढक्कन हटा के हमें चेक करके देखना है कि एग हमारा पका है कि नहीं। और मैं छन्नी के सहारे चेक करके देख रही हूँ, लेकिन अभी तक एग हमारा अच्छी तरह से पका नहीं है। फिर से मैं इसे ढक के छोड़ दूँगी और उसके बाद ढक्कन हटा के फिर इसे हमें उलट देना है। और उलट देने के बाद इसे हमें पीसेस में कट कर लेना है। तो आगे का प्रोसेस देखिए मैंने क्या किया। देखिए गाइस, एग को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब इस पीसेस को एक एक करके मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ। इसी तरह से जब एग हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लेना है। और गाइस, ये जो मसाला एक ऑमलेट है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और एक बार आप लोग बनाओगे तो देखना गाइस, बार बार बना के आप लोग को खाने का मन करेगा। तो गाइस, बाकी जो एक मसाला बचा हुआ है वो फिर से मैंने तवा में डाल दिया है और उसे फिर से फैला दिया है तवा में। और उसे छन्नी के सहारे हमें फैलाना है और उसके बाद इसे भी हमें ढक के कुछ देर के लिए हमें कुक करना है। और ढक्कन हटा के फिर से हमें इसे अच्छी तरह से चेक करना है कि हुआ है कि नहीं। देखिए, मेरा एक हो गया था तो मैंने उसे कट कर लिया था, तो कट किया था उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों को दिखा नहीं सकी, उसके लिए सॉरी। देखिए, मेरा जो एक मसाला ऑमलेट है ये भी बिल्कुल तैयार है, ये भी मैं बाहर निकाल रही हूँ। इसी तरह से हमें ऑमलेट को बनाना है। और ये जो ऑमलेट है, ज़्यादा सुरजापुरी में ज़्यादा बना के खाया जाता है। देखिए गाइस, मेरा ऑमलेट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब सब हम लोग इसे खाएंगे। अब मैं आपको टेस्ट करके बता रही हूँ। बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, इसे हम लोग ऑमलेट भी बोलते हैं, मसाला एक फ्राई ऑमलेट भी बोलते हैं, आप लोग भी बोल सकते हो। और एक बार मैं टेस्ट करके आप सबको बताती हूँ कि कैसा हुआ है। बहुत ही यम्मी हुआ है गाइस, बहुत ही अच्छा हुआ है। इसी तरह से आप लोग भी बनाइए और एक बार बना के जरूर देखिए। एक बार बना के आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और एक बार अगर आप लोग बनाइएगा तो बार बार खाने का मन करेगा। और गाइस, ये जो ऑमलेट है, ये आप लोग चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठा के साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। अगर आप लोग के यहाँ अगर कोई बच्चा नहीं भी खाते हैं तो इस तरह से अंडा का ऑमलेट बना के खिलाइए और बच्चा पूरा शौक से खाएंगे। और
अपना उंगलियां चाट के खाएंगे। तो गैस मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये आज का एक मसाला फ्राई ऑमलेट बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, शेयर तो खूब से खूब ज़्यादा कीजिएगा। तो गैस अब तक के लिए बस इतना ही, फिर न्यू रेसिपी लेके फिर से मैं आप सबके पास आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।